अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो जो है वो हम बनाएंगे हाउ टू एक्सपेंड बिजनेस एंड बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस विद स्केलेबिलिटी। ये आज की वीडियो पहले शुरू करने से पहले बता रहा हूँ कि थोड़ी लंबी होगी, लेकिन बोरिंग नहीं होगी। आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वो लोग जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं अभी, लेकिन मैं उनको यह कहूँगा कि बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी जॉब क्विट करनी पड़े। तो जॉब जो है वो जारी रखिएगा, और बिजनेस को जो है वो पार्ट टाइम जो है वो अभी शुरू कीजिएगा, तब जो है वो आप अच्छा ही बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। जॉब बिल्कुल ना छोड़िएगा। क्यों ना छोड़िएगा, उसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि हम ये डिस्कस करते हैं कि जी हम अपने कारोबार को जो है वो सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे होते कि बिज़नेस को एक्सपेंड किस तरह से किया जा सकता है, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए कि जिससे हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। या हम देखते हैं इंक्रीमेंटल ग्रोथ चाहते हैं अपने बिज़नेस में, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल में एडिशन होता है कि आप 100 की चीज़ में जो है वो 110, 120, 130 आप ऐड करते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है 100%, 200, 300, 400, 500% जब आपके बिजनेस में ग्रोथ आती है, रैपिड ग्रोथ आती है। तो ये चीज़ जो है वो हमें जो है वो समझनी चाहिए। और उससे पहले हम देखें कि हम बहुत से लोग हम देखते हैं कि जी कारोबार को कामयाब बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी कारोबार अच्छा को एक्सपेंड करने के लिए आपके पास जानदार प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट जो है वो बनाने से पहले मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर का बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड, कि मार्केट में कैसा ट्रेंड है, आपके लोगों की, आपकी मार्केट में जो आपकी पब्लिक है उनकी परचेजिंग पावर कैसी है, ठीक है, उनका जो है वो उनकी क्या नीड है, क्या उनकी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, अपनी जब अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ आप इंगेज होंगे, उनको अपने साथ शामिल करेंगे, तो आपके पास जो आउटकम आएगा, आप जिससे आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं, जब उसके अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे उसको आप एवेल्यूएट करेंगे, तब आपको सही जो है वो आपको रिजल्ट्स फाइंडिंग्स आप देख सकते हैं। तो पब्लिक को अपने साथ ज़रूर इंगेज कीजिए। जब आप बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ऐसे सर्विस करती हैं, ऐसी जो अपने जो कोई प्रोडक्ट बना लेती हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फ्री सैम्पलिंग करती हैं लोगों में, कि सिर्फ जो है वो इंटरेस्ट देखने के लिए लोगों को क्या रिएक्शन क्या आता है। ठीक है, तो अच्छा जो है वो प्रोडक्ट, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं कि प्रोडक्ट बढ़िया होता है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट होती है, लेकिन वो चल नहीं पाता, फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है बिल्कुल, और मार्केट से समटाइम्स बिल्कुल आउट हो जाता है। ऐसी एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। स्केलेबिलिटी, हम क्या कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो स्केलेबल हो चुका है, कि जब आपका बिजनेस आपके बगैर जो है वो ग्रो कर रहा हो। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जुनेद जमशेद की, जेजे की हम एग्जांपल लेते हैं, कि उनके दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके दुनिया के जाने के बाद भी उनका जो बिजनेस था जे डॉट, वो उसमें रैपिड ग्रोथ आती चली गई और एक्सपोनेंशियली जो है वो उनका बिजनेस ग्रो कर गया। वो क्यों कर गया? एक तो पर्सनैलिटी थी उनमें, और उनका जो प्रोसेस ओरिएंटेशन वो बहुत ज़बरदस्त थी। प्रोसेस ओरिएंटेशन क्या है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल ये हम देख सकते हैं कि एक तो उनकी उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, और जो उनका जो बिजनेस का जो उनकी जो उनका जो प्रोसेस था वो बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, अभी भी वो, अभी हम देखते हैं कि वो अदर जो बिजनेस की लाइंस है उनमें भी जो वो अभी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल बनाने के लिए और बिजनेस को स्केल अप करने के लिए हमारे पास रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए। ठीक है, आपके पास फिक्स कस्टमर बेस हो, ताकि आपका जो सर्कल है बिजनेस का, आपकी इनकम जो है वो फिक्स्ड इनकम हो, ताकि आपके खर्चे जो हैं वो पूरे होते चले जाएं। ठीक है, अगर आप एक्सपेंड भी करना चाहते हैं तो आपने अपने एक्सपेंसेस को, डेली एक्सपेंसेस हैं उनको आपने मीट करना है। ठीक है, तो ये जो बहुत से लोग जो इसमें गलती करते हैं कि अपना एक फिक्स्ड इनकम जो है वो उसको नहीं रखते, आप जो है वो
इस तरह से ग्रो करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने जो है ना खर्चों को जो है वो आप किसी और तरीके से जैसा कि जो है वो आप पूरा करने की कोशिश करते हैं कि किसी से कर्जा ले लिया, किसी उधार लेकर, इस तरह बिल्कुल ना कीजिएगा। जब तक आप स्केलेबल तब तक करें ही ना, जब तक आपका जो है वो आपकी फिक्स्ड इनकम, आपके फिक्स्ड कस्टमर्स जो हैं वो आपके पास ना हो, ठीक है, आपका फिक्स्ड ग्रॉस प्रॉफिट ना आपका हो, कि आपका प्रॉफिट जो है वो जनरेट होता चला जाए, ठीक है, वो फिक्स्ड रहे, तो तब आप जो है वो इसको सस्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी बिजनेस में जो है वो सडन अननेचुरल डेथ भी हो सकती है, अगर आपने रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल नहीं बिल्ड किया, फिक्स्ड ग्रॉस जो प्रॉफिट था आपका उसको आपने जो है वो बिल्कुल इग्नोर किया, जाया किया, उसको आपने जो है वो स्टेबल ना किया, तो आपका बिजनेस जो है वो खत्म भी हो सकता है खुदा न खास्ता। और यही बड़ी वजह भी है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स आते हैं वो चाहे पाकिस्तान में हों या बाहर हों, तो वो हम देखते हैं कि जी बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, नए नए बिजनेस स्टार्ट हुए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के चक्करों में, स्केल अप करने के चक्करों में जो है वो सस्टेनेबल नहीं बनाया, उस ऐसा सस्टेनेबल मॉडल बिल्ड नहीं कर पाए, बिजनेस खत्म हो गया, मार्केट से बिल्कुल फॉर एवर गायब हो गया। तो ऐसा आप बिल्कुल ऐसी गलती ना कीजिएगा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। इन इन पॉइंट्स को लाजमी मद्देनजर रखें और इससे जब वो हेल्प जरूर लें। तो पहले जो है वो आप सस्टेन करें, देन आप उसको स्केल अप करने की कोशिश करें, ठीक है, कि इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाए। अगर आप अपने सस्टेन ना किया, स्केल अप करने की कोशिश की, तब भी बिजनेस खत्म हो जाएगा, आप मार्केट से आउट हो सकते हैं, ठीक है, और आपको इतनी जो है वो इतनी मोहलत नहीं मिलेगी कि आप अपने आप को जो है वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। तो एक फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे शेयर करते हैं आपके साथ, कि प्रॉफिट अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, प्रोडक्ट होगा, लोग होंगे, कस्टमर होंगे, आप वो आपसे चीज जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो खरीदेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप स्केल अप करना चाहते हैं तो स्केलेबिलिटी इज आउटकम ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेशन। यहाँ पे प्रोसेस ओरिएंटेशन की हम बात करेंगे। अगर आपकी प्रॉफिट प्रोसेस ओरिएंटेशन अच्छी नहीं है, अगर आपने फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड पे जो है वो अगर आपने तवज्जो ना दी, आपने अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कि जैसे नदीम बर्गर वाला एक है, कोई भी होगा कि कोई अच्छा बर्गर बना रहा है और एक एक तरफ है, दूसरी तरफ है मैकडोनल्ड्स, ठीक है, हम सब जानते हैं कि मैकडोनल्ड्स अपने प्रोसेस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके बर्गर की वजह से, ये नहीं कि वो बहुत अच्छे बर्गर्स बनाते हैं इसलिए वो मशहूर है, वो उनका एक तो क्विक सर्विस है, सर्विस ओरिएंटेशन बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, कस्टमर को जो है वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता उनका जो है वो बर्गर लेने के लिए, फ्राइज लेने के लिए, प्रोसेस अच्छा है, क्विक है, तो वो पूरी दुनिया में जो है वो मिलियंस ऑफ बर्गर्स जो है वो सेल कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। और दूसरे साइड पे एक किसी गली में जो है वो एक बर्गर वाला है, वो अच्छा बर्गर बना रहा है, नो डाउट मैकडोनल्ड से कोई अच्छा बर्गर बना रहा है, तो लेकिन उसका जो है उसने अपनी प्रोसेस ओरिएंटेशन पे ध्यान नहीं दिया, फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे लोगों को बहुत ज़्यादा डिले इंतज़ार करना पड़ता है, लोगों को जो है वो तो वैसे जो है वो टाइम हम इंतज़ार करने के आदी नहीं होते ज़्यादा, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा स्केल अप नहीं कर पाता अपने बिजनेस को। प्रॉफिटेबिलिटी वो जनरेट कर लेगा, उसके एक बर्गर की कॉस्ट अगर 15 रुपये आ रही हो तो 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये पे भी जो है वो बेच कर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेगा, लेकिन बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाएगा वो। तो ये अगर आप स्केल अप करना चाहते हैं तो प्रोसेस ओरिएंटेशन को, अपने सर्विस को बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। अगर आप नहीं करते अपने कस्टमर के साथ, अगर आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है और कस्टमर को ना सुनने की आदत नहीं होती, कस्टमर ये नहीं चाहता कि अगर आप वो कोई चीज़ ऑर्डर करें आप उसको कहें कि जी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, आप 2 दिन या 3 दिन जब वेट कर लें, तो वेट करने को कोई तैयार नहीं होता है। तो अपने
इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने प्रोसेस ओरिएंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप बैक एंड पे फ्रंट एंड के साथ बैक एंड पे तवज्जो नहीं देंगे तो आपकी जो है वो प्रोडक्ट बेशक जितनी मर्जी अच्छी हो, अगेन मैं ये बात करूँगा कि मैकडोनल्ड्स अपने अच्छे बर्गर की वजह से ज़्यादा फेमस नहीं है, अपनी सर्विस अपने प्रोसेस ओरिएंटेशन की वजह से ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करें आपके बिजनेस में जो है वो क्या चीज़ स्केल अप हो सकती है, क्या कैसे आप स्केलेबिलिटी अपने बिजनेस में ला सकते हैं, उसके सस्टेनेबल कर सकते हैं एक अच्छा रिकरिंग मॉडल के साथ, एक अच्छी जो है वो बिजनेस मॉडल के साथ आप अपने आप को कैसे मार्केट में जो है वो ग्रो कर सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं और स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसमें साथ देखे हैं हम कि प्रोडक्ट प्लस प्रोसेस ओरिएंटेशन किससे ही स्केलेबिलिटी आ सकती है। अगर हम अपने बिजनेस को जो है वो स्केल अप करना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट के साथ साथ और प्रोसेस ओरिएंटेशन पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। याद रखिएगा कि हमेशा जो है वो अपने आप को जो है वो इसलिए इस तरह से तैयार करें, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर उसके बारे में स्टडी कीजिएगा, प्रॉपर आपके पास नॉलेज हो अच्छा तो ही आप कोई स्टेप लीजिएगा, किसी की टिप पे और खुदारा किसी के कहने पर जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग मत कीजिएगा। यहाँ पे दो एग्जांपल शेयर करते हैं कि हम किस तरह से जो है वो किसी की बात, अगर हम जब टिप टिप लग रहे थे तो टिप जो है वो सिर्फ होटल्स में रेस्टोरेंट्स में मिलती है, बाहर आपको ऐसे टिप कोई भी नहीं देगा कि आप इतना लगा लें। हम लोग इसी चक्कर में होते हैं कि कितना लगाएंगे तो कितना हमें रिटर्न मिलेगा। हम प्रोसेस ओरिएंटेशन पर, प्रोडक्ट पर, अपने कस्टमर जो है मार्केट ट्रेंड पर, मार्केट की नीड पर, प्रॉब्लम पर हम तवज्जो ही नहीं देते कि क्या कैसे हम करेंगे, क्या प्रोडक्ट हम बनाएंगे, उसको कैसे जो है वो उसको सेल करेंगे, कैसे मार्केट करेंगे, किस तरह से जो है वो पब्लिक फीडबैक क्या चीज़ है, इन चीज़ों को हम इग्नोर कर हम इन्हीं चक्रों में रहते हैं कि कितना लगाएंगे और कितना हमें रिटर्न मिलेगा। जब हम इस चीज़ में पढ़ते हैं तो हम अपने कारोबार में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और यहाँ पे देखिए हम देखते हैं कि कोई पर्सन किसी से बात कर रहा था कि जी आई नाउ आई एम एक्सेलिंग इन द मार्केट। ठीक है, तो वो स्टॉक मार्केट की बात कर रहा था, शेयर जो है वो उसकी मार्केट की बात कर रहा था। तो किसी ने दूर से सुना कि जी ही इज सेलिंग इन द मार्केट, ही इज सेलिंग इन द मार्केट, ही इज सेलिंग इन द मार्केट। तो उसने कहा जी सेल सेल सेल, सबने जो है वो सेल करने शुरू कर दिए तो उनको तो भी उनको नुकसान होगा। उसने कहा कि आई एम एक्सेलिंग इन द मार्केट, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं इस मार्केट में जो है वो स्टेबल हो रहा हूँ। और दूसरी एग्जाम्पल इसी से मिलती जुलती है कि आई एम गोइंग टू से बाय बाय टू द मार्केट। वो बी वाई ई वाला बाय बाय जो था, जब किसी ने दूर से सुना तो उसने कहा जी ही इज बाइंग इन द मार्केट, ही इज बाइंग इन द मार्केट, वो बी यू वाई वाला बाय बन गया। तो टिप के चक्रों में ना रहें, प्रॉपर जो है वो नॉलेज लें, इंफॉर्मेशन जो है वो ढूंढें, सर्च करें, खुद भी स्टडी कीजिएगा। बिजनेस को जो है वो अगर आप अपने स्केलेबल करना चाहते हैं, सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, तो ऐसी जो है वो वीडियोस नेक्स्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो अगली वीडियो में जो आपके साथ शेयर करूंगा उसमें हम 7 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो किस तरह से, या प्रोडक्ट और सर्विस को किस तरह से मार्केट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, अपनी अपनी कोई राय हो आपकी तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।